दोस्तों अगर आप भी जडेजा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच एशिया कप के पांचवे मैच में लगभग बारिश की भेंट चढ़ चुका था मुकाबला, लेकिन रात में जाकर रुकी बारिश। तो शुरू हुआ 23 ओवर का मुकाबला। दीपेंद्र सिंह और संदीप लामे छाने ने लगभग भारत को पहुंचा दिया था हार की कगार पर, लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर अंतिम पांच ओवर में छक्के चौकों की बरसात कर ऐसे पलटा हारा हुआ मुकाबला की देखकर पूरा भारत हुआ हैरान। तो दोस्तों भारत और नेपाल के बीच एशिया कप के मैच की पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और यहां तक कि ईशान किशन में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि एशिया कप 2023 के पांचवे मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत नेपाल के साथ हुई, जहां टूर्नामेंट के सुपर फोर राउंड में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में इस मैच में जीत दर्ज करनी जरूरी थी। और वहीं इस मुकाबले की शुरुआत जब हुई तो कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद लेकिन इस बार उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में तो नेपाल की टीम को ऐसा लग रहा था कि हमारा भारत 150 रन से पहले ही रोक देगा और हो सकता है कि 100 रन नेपाल की टीम बना पाए, लेकिन दोस्तों यहां पर नेपाल की टीम ने भारत के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने से ज्यादा दम लगाकर 230 रन बनाए और भारत के आगे एक छोटा सा 231 रन का लक्ष्य रखा। वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले की जब शुरुआत हुई थी तब नेपाल की तरफ से कुशल भुटेल और आसिफ शेख पारी की शुरुआत करने के लिए आए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए 65 रन जोड़े। और यहां पर जब कुशल भुटेल तेज गति से रन बनाने लग गए तो कप्तान रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी करवाने का फैसला किया और उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पांचवी गेंद पर कुशल भुटेल को चलता किया, जो कि 25 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए। और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं कुशल के आउट हो जाने के बाद उतरे भीम शार्की, जहां भीम शार्की और आसिफ शेख के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही भीम शार्की को 7 रन पर रविंद्र जडेजा ने चलता किया और ये दूसरा बड़ा झटका नेपाल की टीम को 77 रन के कुल स्कोर पर लगा। अब कप्तान रोहित पौडेल मैदान पर थे और उनको भी रविंद्र जडेजा ने 5 रन पर आउट किया, तो वहीं फिर अगला विकेट भी रविंद्र जडेजा को ही मिला कुशल मल्ला के रूप में। और दोस्तों इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने लगातार 3 विकेट लेकर नेपाल की टीम को गड्ढे में डाल दिया था और यहां से नेपाल को वापसी करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अभी भी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आसिफ शेख मैदान पर थे, लेकिन उनका साथ निभाने जो भी आ रहा था वो जल्दी विकेट गंवाता चला जा रहा था। यहां पर गुलशन झा जब 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो यहां उन्होंने 23 रन बनाए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने ईशान किशन के हाथों उनको कैच आउट करवाया। तो वहीं गुलशन झा के आउट होने के बाद एक के बाद एक नेपाल के विकेट गिरते चले गए, जहां आसिफ शेख ने 58 रन बनाए, तो वहीं सोमपाल कामी ने 48 रन की पारी खेली, दीपेंद्र सिंह एरी ने 29 रन बनाए और वहीं संदीप लामी छाने ने 9 रन बनाए और ललित राजवंशी 0 रन पर ही चलते बने, जिसके चलते नेपाल की टीम 48.2 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट गंवाकर 230 रन ही बना पाई और 231 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। तो वहीं दोस्तों भारत की तरफ से इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 3-3 विकेट मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को मिले, तो वहीं 1-1 विकेट मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर के नाम रहा। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की और मैच जल्दी जीतने की भी। और दोस्तों जब भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बड़ी पारी खेलने की कोशिश तो की, लेकिन दोस्तों यहां पर बस 2 ओवर ही हो पाए थे और भारतीय टीम इस मैच में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। और उसी वक्त बारिश ने भी दस्तक दे दी, जहां 1 घंटे के करीब मुकाबले को रोका गया, लेकिन दोस्तों जब मैच 10:15 पर शुरू किया गया तो यहां पर भारतीय टीम को नए ओवर और एक नया लक्ष्य मिला, जहां मैच जीतने के लिए 23 ओवर भारत को मिले थे और 145 रन का लक्ष्य उनके आगे था। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आते से ही शुरुआत के ओवरों में तो थोड़ी धीरी बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों जैसे मैच आगे बढ़ने लग गया इन दोनों ने अपना बल्ला चलाना भी शुरू कर दिया। यहां पर खूब छक्के चौकों की बरसात होती हुई नजर आ रही थी। एक छोर पर रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने भी यहां रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाया और मैच को जल्द से अपनी मुट्ठी में करने की सोची। और दोस्तों यहां पर तो रोहित शर्मा ने फुल शॉट लगा लगा कर नेपाल के गेंदबाज ललित
राजवंशी को कहीं का नहीं छोड़ा। और यहाँ पर संदीप लामी छाने की गेंदों को भी आसमान में खेलते हुए रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को जीत के नजदीक पहुंचा दिया। और टीम इंडिया के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी तो बस मात्र 8 ओवर के भीतर कर डाली। और इतना ही नहीं, भारतीय टीम को पता था कि यह मुकाबला तो अब उन्हें जीतना ही है, इसीलिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या तक को आने का मैदान पर मौका ही नहीं मिला। और इन दोनों बल्लेबाजों ने अकेले बलबूते पर ही भारत को लगभग आधा मुकाबला तो अपने नाम करवा दिया। तो वैसे में दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी ने नेपाल के खिलाफ जीत हासिल की। और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन भी इनकी ये पारी देखकर काफी ज्यादा हैरान है। बाकी आप सभी पूरा स्कोर कार्ड भारत और नेपाल के बीच हुए मुकाबले का यहाँ देख भी सकते हो। और दोस्तों, इस मुकाबले को जीतने के साथ भारतीय टीम अब एशिया कप में सुपर 4 का मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी घातक बल्लेबाजी के बारे में, और आप रोहित शर्मा, शुभमन गिल को बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।